हाय फ्रेंड्स, नमकीन सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सेवई लेंगे और फिर जो भी सब्जी आप खाते हो जैसे कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर सब हमने कटिंग करके ले ली है। अब सबसे पहले हम इसे देसी घी में फ्राई करेंगे ताकि ये हमारी रोस्टेड सेवई बन जाए। इसे रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। ये देखिए देसी घी हमारा गर्म हो चुका है, पैकेट से हमने सेवई निकाल ली है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। देखिए हमारी सेवई रोस्ट हो गई है। अब हम इस रोस्टेड सेवई को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने प्लेट में रोस्टेड सेवई निकाल ली है। अब हम इस कढ़ाई में और ऑयल डालकर सबसे पहले 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें सबसे पहले हम ये सरसों डालेंगे। अब प्याज डालेंगे, अनियन। अब प्याज के बाद हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी सब्जी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पहले करी पत्ता हो तो आपको करी पत्ता डालना है, मेरे पास नहीं है इसलिए हम ये वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आपके पास मटर और कॉर्न हो, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैं कॉर्न डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक चुकी हैं, मतलब फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें नमक और मैगी मसाला ऐड करेंगे। मैगी मसाला की जगह आप सिंपल मसाला भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हम घर में यूज़ होने वाला सिंपल नमक और घर में यूज़ होने वाला सिंपल मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। आप लोग इसकी जगह मैगी मसाला भी यूज़ करते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ये 1/2 चम्मच मसाला। अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे, फ्राई वाली। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये हमारा सारा मटेरियल अच्छी तरह से पानी को टच कर सके, मतलब थोड़ा सा डूब जाए। ये देखिए मैंने 1/2 ग्लास से कम पानी लिया है, आप बाद में और ले सकते हैं। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई थी, बट सेवई हमारी अभी पकी नहीं है इसलिए हमने पानी डाल दिया है और मसाले, नमक सब हमारे ऐड हो ही चुके हैं। अब हम इन्हें ढककर थोड़ी देर के लिए उबालेंगे ताकि हमारी सेवई भी पक जाए। केवल 2 मिनट हमें पकाना है। अगर हमारा पानी इस लेवल पे है तो हम इसे खोल कर भी पका सकते हैं, लेकिन अगर हमने पानी थोड़ा और कम अगर लिया होता तो हमें इसे ढक कर पकाना रहता। हम इसे अब ढक देंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए अब 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, 2 मिनट बाद ओपन करेंगे। ये देखिए
अब हमने कढ़ाई का ढक्कन खोल के देखा है, हमारा सारा सब्जी सेवई अच्छी तरह से पक चुका है और खाने के लिए तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए हमने सर्व कर दिया। ये हमारी नमकीन सेवई रेडी है।